गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज डे नंबर 11 ऑफ मी ट्राइंग अ बेटर एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं अपना डे याद करी थी कि आज 11 ही चल रहा है ना। इट इज करेंटली 7:30 एंड यस, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मुबारक मुबारक दोस्तों। वो एक्चुअली मुझे आज जाना है बाहर काम से। आई हैव टू गो आउट विद अ फ्रेंड। एक्चुअली घूमने नहीं जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं, तो आई हैव टू मीट हर बाय 11 or 12। तो मुझे उससे पहले थोड़ा सा काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे जारा जी आ रही है, शायद आ गई हैं। हाँ, सो करते हैं दिन की शुरुआत। मैं अपना बनाना ले आई हूँ, ये रहा मेरा बनाना। एंड पानी मैं नॉर्मली पीने वाली हूँ, आज गर्म नहीं कर रही, तो ये रही मेरी बॉटल, यही मैं पीने वाली हूँ आराम से। अभी आधा घंटा आई जस्ट टेक माई टाइम, आराम से बैठकर पानी वानी पीऊँगी और सब करूँगी एंड फिर दिन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपका दिन कैसा गया, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, या कैसा जा रहा है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जो भी होता है मुझे बता दिया करो, बिकॉज यू नो इट फील्स रियली गुड बात बात करके। सो चलो चलते हैं। ऑल्सो वी आर जस्ट आई गेस 60 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 50K। आई रियली डोंट नो, आई थिंक 60, बट इट फील्स ग्रेट। ओके, ऑल्सो मेरा पॉप सॉकेट भी टूट गया यार। अच्छा एक और बात बताओ कि आप पॉप सॉकेट लगाते हो या नहीं लगाते, बिकॉज मैंने जब से पॉप सॉकेट लगाया है उसके बाद से मैं बिना पॉप सॉकेट के फ़ोन पकड़ ही नहीं पाती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है। बिकॉज आई फील कि कितना कैसे पकड़ूँ, कैसे करूँ ऐसे, मतलब इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई पॉप सॉकेट लगाने के बाद भयंकर आदत पड़ गई है उसकी, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ़ोन को हैंडल करने में। तो आई विल गो आउट अभी बाहर जैसे बताया मैंने आपको, तो तभी लगवा कर ही आऊँगी आज मैं पॉप सॉकेट। तो चलो चलते हैं, करते हैं कुछ। और मैं ग्लास ले आती हूँ, मेरे पास बॉटल है ना, मतलब पहले ग्लास भी ले आती हूँ फिर करते हैं काम। ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी टू लीव। ओके, बाल खींच गया। तो अभी ना ब्रेकफास्ट में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ ऐसा बनाने का कि जैसे पोहा वोहा, तो मैंने क्या किया है, लुक एट द स्वेट यार, इतनी गर्मी लग रही है। ओके, सो मैंने ली है एक ब्रेड, ये वाइट ब्रेड है नॉर्मल, एंड अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम हम खा सकते हैं नॉर्मल प्लेन वाइट ब्रेड भी, बट वही है पोर्शन कंट्रोल करके एंड रोज रोज नहीं खाना। तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लिया है, ये टोस्ट कर ली ब्रेड, एंड देन मेरे पास 5-6 ऐसा भीगे हुए बादाम थे तो मैंने वो ले लिए। और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आई नो, एंड साथ में मैंने अपना प्रोटीन शेक अभी बना लिया, बिकॉज आई नो कि मैं लेट होने वाली हूँ, मुझे काफी टाइम लगेगा आज बाहर ही, मुझे लंच का भी अभी कोई आइडिया नहीं क्या होगा, तो मैं बैठ के फटाफट खा लेती हूँ आज, बिकॉज मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑलरेडी। ऑल्सो आज का वेदर फिर भी बेटर है, ज्यादा धूप नहीं चल रही, वाह, ज़्यादा धूप नहीं है फिर भी थोड़ी हवा चल रही है, बीच में धूप आ भी रही है। आई जस्ट होप की धूप ना आए, बिकॉज मैं एक्टिवा पे जाने वाली हूँ और एक्टिवा पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अगर धूप आ जाए तो। चलो दोस्तों चलते हैं, एंड आई एम सो सॉरी मैं इतनी हड़बड़ी में ब्लॉग कर रही हूँ अभी, बिकॉज अगर मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम पे पहुंचूंगी तो सही है, बट अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ, पहले नहीं करती थी बट अब करने लगती हूँ। सो या लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो लंच में आज बहुत कुछ है। हाँ जी दोस्तों, तो आज लंच में बहुत कुछ है, तो ये दाल है दोनों, है ना, दाल पालक पनीर फली और ये दही भल्ले, ये मैं तो खाऊंगी नहीं। खाऊंगी दही भल्ले, राइस और रोटी, तो मैं रोटी और कोई सब्जी लगा के खा लूंगी, एंड खीरा। ओह हाँ, स्पेशल खीरा बन रहा है चाट मसाले वाला, ऑल थैंक्स टू अनामिका मलिक। तो यही आज मेरा लंच होने वाला है, क्योंकि जहाँ मैं गई थी काम से मैं इन्हीं के साथ गई थी, एना के साथ, अनामिका के साथ, तो हमारा काम तो हुआ नहीं, पर हम खाना ठूसने यहाँ आ गए दूसरी फ्रेंड के घर कि भाई चलो यहीं लंच करेंगे। सो या वी गोना डू दिस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। कुछ भी बोलने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू, बिकॉज नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 50,000 ब्यूटिफुल पीपल।
50,000 हो गए हैं दोस्तों, 50,000 हो गए, oh my god, okay. थोड़ा काम डाउन शिवानी, इट्स ओके, रिलैक्स. तो मैं बाहर ही थी, आप लोगों को पता ही है, दोस्तों के साथ थी, एंड वहाँ पे ना मैं बार बार थोड़ा बीच बीच में चेक करी थी कितने हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, एंड मैंने वहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया कि मैं ऐसा हो रही हूँ या 50,000 हो गए, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू कम होम और मम्मी को एक बार बताना था कि मम्मा हो गए. जैसे 50,000 हुए थे ना, मैंने मम्मा को व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया था, 50,000 हो गए, एंड आई वाज लाइक ई, मैं घर जाके सबसे पहले तो मम्मी को जब भी पालूंगी और फिर सबको बता दूंगी, ऑब्वियसली स्टोरी पे डालना है, हर जगह डालूंगी, सबको पता चल जाएगा. बट वो होता है कि एक बार घर जाकर, पता नहीं बहुत बचकाना लगेगा, बट होता है ना कि इस घर जाकर एक बार मम्मी पापा को बताऊंगी, तो वैसा वाला फील हो रहा था. एंड मैं बाहर बिल्कुल एक्साइटमेंट शो नहीं कर पा रही, तो मेरी पूरी सब भर के ऐसे एक्साइटमेंट निकल रही है. ओके 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 ओके. एंड अभी से ही मुझे लोग भी कमेंट करने लग गए कि 50K की मुबारक और हैप्पी 50K, आपको भी मुबारक हो 50,000, बिकॉज हम सारे एक फैमिली है एंड 50,000 लोगों की फैमिली है हमारी, मतलब ओ. एंड इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे तो करते ही करते हो, प्लस अगर किसी और के कमेंट आए होते हैं आप उनको भी जवाब दे रहे होते हो, बिकॉज आई जस्ट फील कि वो कितना अच्छा है, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है कमेंट सेक्शन में भी, और बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय फैमिली. और पीछे जाना पड़ा, उसको बाहर जाना है लेकिन बाहर बारिश आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई फैमिली, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ, सो थैंक यू सो मच. और अभी इट इज़ करंटली 6:30 और मैं आते आते थोड़ा लेट हो गई हूँ, बिकॉज हम फ्रेंड के घर बैठे हुए थे तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, लंच करने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था. और अभी ना मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लेते हैं, बिकॉज बाहर बारिश का मौसम है, बारिश हो भी रही है, तो देखते हैं यार, तो बहुत ही ऐसी हो रही हूँ. पापा आएगी, पापा को बता दिया, मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि इसकी 50,000 हो गए. तो चलो अब चलते हैं यार, पता नहीं. और हमारे कपड़े भी यहीं पे ही हैं बिकॉज बाहर बारिश है. हाय, सांस ही निकल गई मेरी तो लिटरली चिल्ला चिल्ला के, बिकॉज एक और व्लॉग बन रहा है जो कि है 50K का सेलिब्रेशन व्लॉग, मतलब जो भी होगा, बट उसमें मैंने इतने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला है ना, थोड़ी सांस फूल गई है. अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मम्मी से बैठती हूँ, मम्मी के साथ. ओके गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ घिया, और इसमें मैंने घिया चॉप कर लिया, और थोड़ा सा आपको आलू भी दिखेगा, बिकॉज मेरे पापा को घिये में भी आलू चाहिए, आई नो, ठीक है. और यहाँ पर मैंने टमाटो और अदरक को पीस लिया है, तो अभी मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी. टमाटर के साथ ही गया नमक, और ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, वो थोड़ी सरसों के तेल की है, बिकॉज सरसों का तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया मुझसे आज, तो इसलिए वो लाइन बन गई. अभी टमाटर को हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे. ओके गाइस, तो अभी डिनर करे हुए ना हो गए आराम से 2 घंटे, एंड मैं क्या बताऊँ, मेरी ना आज जो एडिटिंग थी वो काफ़ी, मैंने क्योंकि मैं पूरा दिन बाहर ही थी तो एडिटिंग मैंने लेट शुरू करी थी, एंड वीडियो फिर अपलोड होने में भी टाइम लग रहा था, तो अभी जस्ट लगी 10 बजे के अराउंड आई गेस मेरी आज वीडियो गई है 10:15 बजे, एंड अब मैं इतना थका थका फील कर रही हूँ, आई रियली नीड टू स्लीप, आई फील मेरी आँखें से बंद हो रही है, और अभी के लिए सोने चलती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एंड सुबह के लिए मुझे थोड़े से नट्स भी सोक करने हैं, तो मैं वो कर लेती हूँ और फिर सोती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल सुबह, एंड या गुड नाइट दोस्तों.